नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार के दिन राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश हुई। हालांकि बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। आपको बता दें कि मानसून एक्टिव होने के बाद भी राजधानी के लोगों को काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में राजधानी पटना में हुई बारिश के बाद से राजधानी के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी में बारिश बहुत लंबे समय तक तो नहीं हुई, लेकिन बारिश में लोगों को जरूर ठंडक पहुंचाई है। यानी कि एक तरह से कह लें कि जो जिस तरह की गर्मी थी उससे जो है अब लोगों को राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि इस दौरान प्रदेश के 24 जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया था, जिसमें कि पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के साथ प्रदेश के लगभग जिलों में बारिश जैसे हालात देखे गए। आपको बता दें कि इन जिलों में पहले से ही मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी आशंका जताई गई है। प्रदेश में बारिश को लेकर दैनिक भास्कर के को दिए एक इंटरव्यू में मौसम वैज्ञानिक सहायक नीरज कुमार ने बताया कि हम लोग इंस्टेंट रडार मिलने पर अगले 2 से 3 घंटे के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बारिश होती है या फिर नहीं होती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर अलर्ट जारी किया गया है तो वह पटना के लिए जारी होता है, न कि राजधानी पटना के लिए जारी किया जाता है। ऐसे में राजधानी पटना के आसपास के इलाके में बारिश होता है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि यह एक पूरा टेक्निकल टर्म है। जैसे कि राजधानी पटना और पटना जिला दोनों में अंतर है। राजधानी पटना का एक अलग सीमा है और पटना जिले का अलग सीमा है। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है वो पटना के लिए जारी किया जाता है, यानी कि पटना जिले के लिए। अगर राजधानी पटना में बारिश नहीं होती है तो इसका ये मतलब न समझा जाए कि मौसम विभाग ने गलत जानकारी साझा की है। यानी कि पटना के, यानी कि राजधानी पटना के कुछ दूसरे हिस्से हैं, उसके आसपास के जो गाँव के इलाके हैं उन इलाकों में बारिश कहीं ना कहीं हुई है। इसका मतलब है कि मौसम विभाग ने जो पटना को लेकर पूर्वानुमान जारी किया था वो सही निकला है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि मानसून इन दिनों पूरे प्रदेश में एक्टिव हो गया है। उत्तर बिहार में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में बारिश होने का पूरी संभावना जताई गई। साथ ही साथ मानसून अब दक्षिण के जिलों में दस्तक दे रही है। इसके बाद से तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि किसानों को इन दिनों अभी और बारिश की उम्मीद है। प्रदेश में अगर हम पिछले 24 घंटे की बारिश की बात कर ले तो किशनगंज के गलगलिया में 90.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इसके अलावा तैयबपुर में 57.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बक्सर और भभुआ में 42.4, औरंगाबाद के रफीगंज में 40.4, सिवान में 34.4, ठाकुरगंज में 34, बक्सर के सिमरी में 23.8, गया के टेकारी में 16.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उत्तर बिहार और नेपाल में हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार की कई नदियाँ उफान पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके जलस्तर में कमी देखी जा रही है। इधर गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने से गोपालगंज के लोगों को राहत की सांस मिली है। हालांकि अभी भी उत्तर बिहार में जिला प्रशासन तटबंधों पर नज़र बनाए हुए, एक तरह से कह लें कि उत्तर बिहार में अधिकारियों को अभी भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि वो तटबंधों का निरीक्षण कर सकें और नेपाल और उत्तर बिहार में हो रही बारिश से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल में इन दिनों बारिश में कमी देखी जा रही है, यानी कि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही, जिसके चलते उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर में थोड़ी कमी देखी गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।